नमस्कार, मैं बिन्नी। तो आज आप लोगों को लेकर के चलने वाली हूँ मेरे भतीजा के स्कूल में। तो स्कूल का नाम है एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। तो आज उसका रिपोर्ट कार्ड का दिन है, रिजल्ट मिलने वाला है, तो इसलिए हम लोग आए हुए हैं। तो आप लोग चलें मेरे साथ अंदर। तब अंदर जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पापा को साइन करना पड़ता है, तब अंदर जाते हैं हम। अब अंदर घुसने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना सुंदर फूलों की सजावट है। यहाँ पर गार्डन बहुत अच्छा सजाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ इसकी खूबसूरती कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा इसको सजाया गया है। यहाँ पर कचरा डालने के लिए भी बनाया गया है। यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, सुनने में आता है कि बहुत अच्छा से पढ़ाई यहाँ पर कराया जाता है। तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा और इसका रिजल्ट कैसा आया है, अंदर जाने के बाद सब पता चलेगा। अंदर जाया जा रहा है। सभी गार्जियन लोग अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए आए हुए हैं। एक इधर क्लास है, एक इधर क्लास है। देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा रूम है, यहाँ पे बड़ा हॉल है एकदम। ये सब बच्चे सब बना बना करके रखा हुआ है, लगाया गया है इन लोग का। ये LKG क्लास का है। ये है पूरा LKG क्लास है। अभी बाबू का क्लास ऊपर है। हाँ, चलिए अब आप लोग ऊपर। हम लोग ऊपर चले गए थे और दोनों छोटा वाला बच्चा सब है वो इधर पार्क पे चला गया। देखिए वहाँ पर दौड़ रहा है सब। देखिए कितना दूर ही लू चला गया है। अब हम लोग डर गए कि बच्चा गया कहाँ। अब ऊपर से हम दौड़े दौड़े नीचे आए हैं तो देख रहे हैं कि इधर पार्क में खेल रहा है सब। ये दोनों देखिए यहाँ पर दौड़ रही है। ए बबी, अनन्या, देखिए आप लोग कैसे। इसलिए बच्चा को लेके आने में यहाँ पर पढ़ाई से लेकर के खेल के लिए पूरा व्यवस्था किया गया है, इसलिए बच्चे सबके अच्छा लगता है, मन लगता है पढ़ाई करने में भी खेलने में भी। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है, इसमें कितना बड़ा है पीछे में भी। हाँ आओ तनी छोड़ के नहीं का कहाँ गए। आए अनन्या बाबू, तू खेलेगी क्या यहाँ पे, जाए हम यहाँ पर ही सब है। हम लोग खोज रहे हैं पूरा कपड़ा गंदा कर। चलो चलो, ये पीछे से है स्कूल ही, तो चारों तरफ से जाने का रास्ता है, तो हम इधर से ही चल जाएंगे क्योंकि पीछे आगे जाने में फिर हमको बहुत चलना पड़ेगा। इधर नल का व्यवस्था है, आप लोग देख सकते हैं वॉशरूम है इतना बड़ा। पानी का व्यवस्था है। आयुष्मान ऊपर चला गया उस मम्मी पापा के साथ में, हम चले गए छोटे उस सबके लाने के लिए। वॉशरूम है पूरा। ये क्लास 1 है, इसी में बाबू है आयुष्मान, तब जा रहे हैं। ये सब बच्चा सबका बनाया हुआ है, सब बच्चा बनाया है पेंटिंग। अब अंदर हम लोग चल रहे हैं।
अच्छा चल फर्स्ट किया है कहाँ अच्छा आया है बाबू का है आयुष्मान का ये एक नंबर में आया है फर्स्ट किया है कंग्रेचुलेशन बेटा थैंक यू बोलो मम्मी पापा और इसकी मैम है ये राइटिंग अच्छा से बनाओ ये बाबू का कॉपी है ड्राइंग तो बना लेना है ट्री बनाया है पंकज का छोटा रूप है ये ठीक है तो वही टीचर लोग भी बता रहे थे कि मतलब ये बच्चा है कि फुआ के पास रह रहा है लेकिन इसके मतलब कॉपी में कहीं रेड नहीं लगा हुआ है एकदम इसी के जैसा था छोटा था तो छोटा वाला उतना पढ़ने में तेज हो रहा है बहुत तेज था छोटा वाला ना बाबू कंप्यूटर में 70 लाया है तो हो सकता है कुछ पहले एक दो दो नंबर जीके जीके है राइटिंग बनाता है ना कहीं कहीं देखी है इसका एन तो हमेशा गलत पूरा का पूरा नौ के चिन्ह ये को वहाँ पर किया है थोड़ा सा सिर का जो है ना है ही पहले लिख ला मम्मा पापा के बारे में चाय रिपोर्ट कर सब में ये बा तो बच्चा को करना जरूरी है ना ये सब सब चीज जरूरी है पढ़ाई के साथ में ये आयुष्मान का नाम लिखा हुआ है के कलर किया हुआ है होली पर बोलो क्या चाहिए फर्स्ट किए हो तो तुमको क्या चाहिए डॉक्टर सेट नहीं अच्छा आज क्या खाओगे ये बता दो क्या चाहिए हैं क्या चाहिए बोलो आज जो तू कहोगे वो मिलेगा यहाँ रिमार्क्स दे रहा है सेकंड किया है उसके पहले फर्स्ट किया था सारा दोनों का परसेंटेज से मैं 94-94 दोनों का है लेकिन मार्क्स से इसका ज्यादा है उसका कम तो वही हम 560 इतना काम कर रहा है मैथ का एग्जाम भी देख के बात लगा के ऑक्सीजन दवा चला के फिर उसके स्कूल लेके हम लोग आए उस दिन तो इससे करके इसके पापा ही सब बाद में स्ट्रांग हो जाएगा कोई बात नहीं खाना भी सही से खाओ खाना में नहीं खाता है तो खाना खा लो फिर तबीयत भी ठीक रहेगी ये मैं रूम लेके जा सकते हैं एक्चुअली सर टर्मोन का है तो टर्मोन का है तो अभी मन्नू के पेरेंट्स आए थे तो गलती से आयुष्मान का उनको नहीं लगे टर्मोन मैं एक्सचेंज करा दूंगी अभी तो Thank you.
इस स्कूल का ये डांस क्लास है, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग शीशा में देख रहे हैं, ये सब शीशा में दिख रहा है, पूरा दीवार में शीशा है। आप लोग देख सकते हैं कितना हाई फाई ये स्कूल है कि डांस क्लास का इतना बड़ा रूम है। देख सकते हैं यहाँ पे ये माइकल जैक्सन का ये चित्र बनाया गया है, कटिंग किया गया है। स्पोर्ट्स टीचर ये यहाँ से वहाँ तक पूरा क्लास है, दोनों तरफ, इधर भी है और इधर भी है और इसके ऊपर भी है। ये चार फ्लोर तक पढ़ाई होती है और ऊपर भी बनने की तैयारी है। बड़े बड़े शहरों में भी इतना बड़ा स्कूल नहीं देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं कि जो व्यवस्था यहाँ पर है वैसा व्यवस्था कहीं नहीं रहता। बहुत बड़ा बा वॉशरूम है, आप लोग देख सकते हैं इसका व्यवस्था कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया वॉशरूम है इसका, साफ सफाई पूरा है, इधर भी पूरा है और इधर भी पूरा है। इधर हाँ, यहाँ का बस है इतना सारा और दूसरा तरफ लगाया गया है। ये बास्केटबॉल का कोर्ट है। गिरना नहीं तुम लोग, नहीं नहीं पकड़ के करो, गिर जाओगे। इधर आयुष्मान झूल रहा, अभी हम मेस में चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेस भी है सबको खाने के लिए, यहाँ पर रंग बिरंगे खाना भी बन रहा है। कितना साफ सफाई है, हर जगह साफ सफाई है। अभी पेरेंट्स मीटिंग हो रहा है अंदर में, चल रहा है। स्क्रीन पर आयुष्मान का भी फोटो आया था क्योंकि वो फर्स्ट किया था, इसलिए उसका फोटो निकला था क्लास में, स्कूल भर में उसी का एक्ट आया था। अभी बहुत देर तक मीटिंग चलेगा क्योंकि सभी गार्जियन लोग से को समझाया जा रहा है कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, तो उसी के लिए मीटिंग हो रहा है। तो आगे सर कुछ समझा रहे हैं और पीछे बैठ करके ये देखिए दोनों बच्चा को, दोनों आपस में ये अपना शुरू कर दिया है खेल। और वो मतलब हमारे आपको भी खेलने का मतलब सेकंड थर्ड थिंग है रीडिंग, रीडिंग को बोलिए रीडिंग करें। तो मीटिंग तो बहुत देर तक चलेगा अभी, तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, और यहाँ एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल का की व्यवस्था कैसा लगा आप लोगों को,
तो अब आप लोग कमेंट द्वारा बताएं कि ये स्कूल कैसा है, और ये स्कूल बता दें कि कहाँ पर है। मोतिहारी जिला के गाय घाट में है, तो ये हम लोग के घर के नज़दीक में है, इसलिए एडमिशन कराया गया है। 3 कोस के लगभग में है, यानी 9 स्कूल के किलोमीटर। ये सभी टीचर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो आप लोग अपने बच्चों को एडमिशन आराम से करा सकते हैं बेझिझक, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होती है। क्योंकि हम देख चुके हैं मेरा भतीजा का पढ़ाई इतना अच्छा से वहाँ पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स भी सिखाया जाता है और डांस भी सिखाया जाता है, हर तरह का खेल सिखाया जाता है। आप लोग खुद देख सकते हैं मेरे वीडियो के उसमें कि यहाँ पर कितना खेल का व्यवस्था है बच्चों के लिए, कि बच्चों का भी मन लगेगा यहाँ पर स्कूल में आकर के, कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेल भी हो जाता है, हर प्रकार का झूला है यहाँ। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो आए अब देखें बाबू के रिजल्ट आने की, फर्स्ट आने की खुशी में यहाँ पर पार्टी भी चल रही है। देखें यहाँ पर बच्चे लोग पार्टी कर रहा है, पार्टी हो रहा है बाबू के फर्स्ट आने के लिए। इधर भी है ये छुटकी आई। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों? अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं जिससे दूसरा नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू।